उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से कई नई झीलें बन रही हैं, जिसमें से कुछ पर वैज्ञानिक लगातार नजर भी रख रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ झीलें बड़े खतरे का संकेत दे रही है। वहीं भागीरथी कैचमेंट में स्थित खतलिंग ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से भिलंगना झील का आकार बढ़ रहा है। दरअसल साल 2013 में केदारनाथ धाम के ऊपर चोराबारी ग्लेशियर पर हिमस्खलन हुआ था और लगातार भारी बारिश के कारण चोराबारी झील की दीवार भी टूट गई थी, जिसके कारण वहां बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में लाखों लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड के ग्लेशियरों में 13 नई झीलें बन गई है और सरकार को सैटेलाइट से यह जानकारी मिली है। वहीं 2 जुलाई के बाद यहाँ अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम जाएगी, ताकि भविष्य में संभावित खतरों से बचा जा सके। इनमें से पिथौरागढ़ जिले में लासरंगती और कुटीयंगती घाटी और चमोली जिले की धौली गंगा बेसिन की वसुधारा ताल झील हाई रिस्क जोन में है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। मिटिगेशन के लिए वहां अगर लेक में ज्यादा पानी होता है, बर्स्ट करने की संभावना बनती है, उसके लिए हम उसको डिस्चार्ज के लिए पाइप्स वगैरह डालेंगे। तो हमारी टीम जाएगी तो सबको इवैल्यूएट करेगी, वहाँ पंक्चर करेंगे, पाइप लगाएंगे, उसमें इवैल्यूएट करेगी, बैथीमेट्री करेगी, यानी लेक का कितना साइज है, कितना गहरा है, पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मिटिगेशन की कार्रवाई। 4 लेक है पिथौरागढ़ में जो कि रिस्की है, हाई रिस्क लेक कह सकते हैं, जो कि कभी आउटपोस्ट बस्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है डाउनस्ट्रीम में, तो उसकी भी उसके लिए एक्सपेडिशन हम जुलाई में भेजेंगे। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधारा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं, उसके लिए जैसे ही ITBP की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसको भी।